नमस्कार दोस्तों, खरौंधी लाइव न्यूज में आपका स्वागत है। अपने आसपास के क्षेत्र की न्यूज को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन बटन को दबाएं, साथ ही इसके सभी वीडियो को लाइक कमेंट कर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। शुक्रवार को झामुमो प्रखंड अध्यक्ष अभिजीत किशोर पासवान तथा उप प्रमुख देवदत्त प्रसाद आर्य ने उप प्रमुख कार्यालय में प्रेस वार्ता आयोजित कर बिसूत्री अध्यक्ष राजेश कुमार रजक पर कई गंभीर आरोप लगाए। झामुमो प्रखंड अध्यक्ष अभिजीत किशोर पासवान ने कहा, बिसूत्री अध्यक्ष राजेश कुमार रजक अपने पावर का दुरुपयोग करते हुए मनरेगा योजना वित्त तथा जिला परिषद फंड से कई योजनाओं को निजी लाभ के उद्देश्य से अपने तथा सगे संबंधियों के नाम से कराया गया है, जो अभी तक धरातल पर नहीं है। इसके अलावा अपने पिता, बहन तथा खुद के नाम से प्रधानमंत्री आवास भी ले लिए हैं, जो सरासर गलत है। इसके बावजूद इन सब पर पर्दा डालने के लिए जिला परिषद सदस्य धर्मराज पासवान पर अनर्गल बयानबाजी देते फिर रहे हैं। साथ ही बताया, उनके भाभी आभा रानी प्रमुख हैं। ग्रामीणों तथा जनप्रतिनिधि किसी भी समस्या को लेकर प्रमुख आभा रानी से बात करने के लिए जाते हैं, समस्या समाधान के लिए जाते हैं, तो राजेश रजक द्वारा आपत्तिजनक भाषा का प्रयोग किया जाता है। ग्रामीण तथा जनप्रतिनिधि प्रमुख के पास समस्या लेकर नहीं जाएंगे तो किसके पास जाएंगे। इस दौरान झामुमो के देवंश गुप्ता, राजेश कुमार, राकेश कुमार, सियाराम, रिंकू बैठा, जन्नत हुसैन आदि उपस्थित थे। वहीं इस संबंध में बिसूत्री अध्यक्ष राजेश कुमार रजक ने कहा, उन लोगों के द्वारा जो आरोप लगाया जा रहा है वह सरासर गलत है। योजना कोई भी कर सकता है, अगर कोई नहीं कर सकता है तो जीप सदस्य धर्मराज पासवान के भाई बसंत पासवान के नाम चंदनी मुख्य पथ से दहवा नदी घाट तक योजना कैसे ले लिया गया है। हमारे लोकप्रियता से जीप सदस्य धर्मराज पासवान तथा उनके सहयोगी घबरा गए हैं। जानबूझकर इन लोगों द्वारा जनता का काम बाधित करने का प्रयास किया जा रहा है। मामला बिसूत्री अध्यक्ष राजेश बैठा के द्वारा है, जो हमारे पूर्व प्रमुख जिला पार्षद सदस्य करौंधी सचिव गढ़वा जिला जेएमएम के धर्मराज पासवान पर एलिगेशन लगाया गया है 7 नवंबर को, कि धर्मराज पासवान लाभ के पद पर रहते हुए एक कुआं और 2 ठो आवास अपने नाम से और अपने पिताजी के नाम से करा लिया है। जबकि हम आप लोगों के समक्ष यह प्रूफ के साथ रख रहे हैं कि इतना योजना धरातल पर नहीं रहते हुए भी इस योजना का लाभ राजेश बैठा ने उठाया है और तमाम पैसा अपने निजी कोष में रखने का काम किया है। और यहाँ तक आज यहाँ का जो प्रमुख है महिला है, राजेश बैठा कहते हैं कि थोड़ा जिला परिषद का भी चुनाव लड़ता, आज साक्ष्य आपके पास है। विद्यार्थी देवी जो उनकी माता है, राजेश बैठा का एक गैस सेट है, लॉटन बैठा का गैस सेट कूप है, मनरेगा के 1,21,050 निकल गया जिसमें 1 फीट भी मिट्टी नहीं कटा है। लॉटन बैठा का आम बागवानी है जिसमें नरेगा पेमेंट 30,600 रुपये निकला है, जो भी जितना क्राइटेरिया में होना चाहिए उतना क्राइटेरिया में नहीं है। वित्तीय वर्ष 21-22 में लॉटन बैठा को आवास मिला है, जबकि पक्का का आवास पहले से उनको है। कलावती देवी उनकी बहन है, जो खरौंधी में भी पक्का का आवास है और चंदनी में भी पक्का का आवास है, उनको आवास दिलाने के काम करें। राजेश बैठा का रजिस्ट्रेशन हो चुका है आवास का, और जो कि जांच का विषय है कि समूह का पक्का का आवास 2 मंजिला है। जिला पार्षद का जो फंड था फुलवारी टोला में इनके पिताजी ही अध्यक्ष का काम किए, जबकि फुलवारी टोला में इनके कोई अपने नहीं थे, यहाँ पे और इनके जनता लोग थे, लेकिन लॉटन बैठा को पथ का अध्यक्ष बनाया गया। फिर मुख्य पथ आधार दुबे के घर से मेन मुख्य पथ तक था, उसमें अपने माता को अध्यक्ष बनाने का काम किया और भाई अरुण बैठा को सचिव बनाने का काम किया। और यह प्रमुख साहब पर एलिगेशन लगाते हैं राजेश बैठा कि अपने हित में काम किए हैं। आप देख सकते हैं कि धर्मराज पासवान अपने हित में काम किए हैं कि राजेश बैठा और आभा नरानी अपने हित में काम किए हैं, जनता के सामने है। जो 7 नवंबर के राजेश बैठा एलिगेशन
हमारे भूतपूर्व प्रमुख धर्मराज पासवान पर एलिगेशन लगाने के काम किए हैं, ये सरासर गलत है उनके। आपके पास साक्ष्य के साथ हम लोग बैठे हुए हैं। मैं जेएमएम अध्यक्ष अभिजीत किशोर खरौंदा।